2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और इसमें मैंने मेरा जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो है उसमें मैंने कुछ स्टॉक्स का दिखा दिया था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी इधर से आप लोग को ये बाइसल लेवल से आप लोग को दिखाता हूँ, तो वो भी कैसे मैच करेगा वो भी आप लोग को दिखा दूँगा। तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को ये निफ्टी बाय निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और बाइसल लेवल का रिकमेंडेशन मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा चीज़ जो ट्रेडिंग का ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कुछ है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग को ये ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके, मैंने इधर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हूँ। कल जो बोला था मैंने इस लेवल तक जो नीचे आया था, कल इधर तक आया था एक्चुअली, इस लेवल पे आया था तो 850 के नीचे, तो उस लेवल के नीचे आज 839 तक 848 उस लेवल के नीचे ज़्यादा दूर नहीं आ पाया, थोड़ा सा रिट्रेस करके मतलब कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका ये इस लेवल पे का नीचे जब आएगा, इस लेवल का नीचे जब आएगा तो इस लेवल तक मतलब 710 तक आ सकता है, उसके बाद 620, उसके बाद 11526, उसके बाद 11546। तो फिलहाल तो मेरा जो लगता है तो कि इधर 800 तक ये आना चाहिए मिनिमम, और मेरा जो चार्ट का सेटअप है वो ही ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। और इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, तो मैंने वाल बोला था कि 0.5 कल 0.59 था पीसीआर रेशियो, तो लगता है मेरा वो 0.50 या उसके नीचे तक आएगा, उसके बाद रिटेस होकर ऊपर जाएगा। तो आज ये 0.6869 तक हुआ है, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इधर देखिए जो 12000 हमें इसका सपोर्ट बना है, और इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, लॉन्ग अनविंडिंग कैस को क्या हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये आप लोग जो लोग नहीं जानता है वो आप लोग जान लीजिए। और इधर जो 11800 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर सपोर्ट बना है। तो इधर देखिए इधर जो सपोर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट है और इधर जो ओपन इंटरेस्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा है, तो ये लगता है कि ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस करूँगा, निफ्टी का प्रोबेबिलिटी देखता हूँ, निफ्टी का प्रोबेबिलिटी दो दिन में ये 11800 और 12000, इधर प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन स्लाइटली ऊपर ट्रेंड दिखा रहा है, देखते हैं क्या होता है। और बैंक निफ्टी का बैंक में देखूंगा तो इसको मैंने इधर से ये लेवल ड्रॉ करने से प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी तरह से पता चलता है, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो भी आप लोग ये लेवल को यूज़ कर सकते हैं। पिछले वाला प्राइस चैनल को पकड़ने के लिए बहुत कम पे आता है। तो देखिए इसमें जो पहले वाला इस ये इधर तक आया है बैंक निफ्टी, मतलब 31,140, तो उसके बाद ये 30,000 के आसपास आ सकता है, उसके बाद 31,816 तक आ सकता है, उसके बाद ये लेवल तक आ सकता है।
ये ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट का आसपास जस्ट पिवट पॉइंट में क्लोजिंग दिया है, ये थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग देता था तो और भी ट्रेंड कंफर्म होता था। तो देखते हैं ये कैसा बिहेव करता है। लेकिन इधर जो फिलहाल जो क्रॉसिंग का और चार्ट का सेटअप दिख रहा है, ये अभी भी इसका डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं डाउन ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी इंडिकेशन तो हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और इसका ऑप्शन चेन निफ्टी बैंक का जो ऑप्शन चेन देखूंगा निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन में इसका पीसीआर रेशियो 0.68 तक हुआ है। और इधर शॉर्ट बिल्डअप इधर 31,500 में इसका शॉर्ट बिल्डअप बना है। इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और पुट साइड में। इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है तो इधर 31,000 में इसका सपोर्ट है। तो इधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया है वो भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और देखिए मैंने जो फाइल कल शेयर किया था आप लोग को रेगुलर बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ, वो देखते हैं कैसे काम किया है, वो भी आप लोग इधर से देख ले सकते हैं। देखिए कल का जो हाई लो क्लोज ये था और इसका एंट्री लेवल बाई का एंट्री लेवल था, इसका बाई का एंट्री लेवल था कहाँ पर 31,324 में और सेल का एंट्री लेवल था 31,260 में। तो आज कितना हाई लो हुआ है मैंने इधर बैठा के रखा है, आप लोग 31,395 इसका हाई हुआ है, 31,065 इसका लो हुआ है और दोनों साइड ही मैच किया है। मतलब बाई साइड में इसका एंट्री लेवल था 324, उसके बाद ये हाई आ गया है 395। आप लोग भी चार्ट से चेक कर सकता है। और सेल में आया था 200, सेल का एंट्री लेवल 260 के नीचे 31,065 तक आ सकता है, आ गया है। और निफ्टी का 932 में इसका बाई का एंट्री लेवल था, बाई का एंट्री लेवल था ये 953 तक गया था। और सेल का एंट्री लेवल था 911,909 में, ये नीचे आया था 11,872 में। और मैंने इस फाइल में मैंने चेक करूंगा तो बाई से लेवल 3 में चेक करूंगा तो वो भी एक बार देख लेता है 11,000 ऊपर वाला लेवल इसका हाई नहीं है निफ्टी का बैंक निफ्टी का, नीचे वाला 286 से लेवल था। तो उसके बाद 31,665 तक आ गया था और ऊपर वाला लेवल निफ्टी का भी इस फाइल में मतलब 22 लेवल 3 में आया नहीं था, 32 बड़ा वो भी नीचे लेवल था 919 से ये आ गया है 872। इंडेक्स 832 आया था। तो ऐसे ही आप लोग मैंने जो रेगुलर बेसिस पे आप लोग को बैंक निफ्टी दिखाता हूँ वो भी आप लोग यूटिलाइज करके लाइव मार्केट पर नेक्स्ट डेट काम कर सकता है और अच्छी तरह से प्रॉफिट कर सकता है। और मैंने जो 22 लेवल कम स्किनर मैंने ये बनाया और 22 लेवल 3 बनाया मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये रेगुलर बेसिस पे पूरा फाइल शेयर करता हूँ, ये आप लोग जानते हैं। तो उस सर आप लोग को फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, बहुत सारा स्टॉक्स का भी आप लोग देख ले सकता है कैसे काम करता है। मैंने स्टॉक्स का मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख लीजिए और भी इधर से मैंने एग्जांपल दिखा सकता हूँ आप लोग को। सोच लीजिए आज ये कौन सा है एनआईटी टेक 1492.40 आई हुआ है, इधर बाई साइड मैच किया है, इसमें एनआईटी टेक का बाई का लेवल था, इधर एनआईटी टेक का बाई का लेवल था 1450। उसके बाद ये कितना हाई हो गया है 1450 से 1492 तक। तो चार्ट में भी एक बार देख लेते हैं कैसे ओपन होने के बाद ये